फोन क्यों काट रहा है, फट रही है तेरी? मेरे को पता है, मैं एक ऐसे फ्रॉड आदमी से बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को लूटते हैं बेचारों को, ये कह कह के कि आपको ये फर्क दिया जाएगा 10 दिनों में। अच्छा आपका कंप्लीट, अच्छा अगर कोई बेचारे ने कंप्लीट कर दिया तो आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं है। मैं अपने, अरे गधो तुम्हारे को ये नहीं पता जो कोर्ट का नोटिस होता है ना उसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं आता। वाह यार, अच्छा मजाक बना दिया अपने देश की कोर्ट का। स्टूडेंट को जो डाटा एंट्री जॉब वगैरह के चक्कर में फंसाते हैं, एक ऋषिका नाम की स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया मैसेज भेज भेज कर कोर्ट के नाम पर कि अब आपके ऊपर कोर्ट की कार्रवाई होगी या फिर आप इतनी पेनल्टी पे कर दीजिए। और मैंने सोचा क्यों ना अगर कोई एक स्टूडेंट जो है वो पैसे ही ना पे कर पाए और वो इस कंडीशन में चला जाए कि वो सुसाइड कर ले, तो मैंने लड़की की आवाज़ में यानी कि उसकी ऋषिका की एक फ्रेंड बनकर बात करने की उससे कोशिश की, लेकिन रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। यानी कि यार पैसा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि अगर कोई अपना स्टूडेंट जो है वो सुसाइड भी कर लेता है पैसे ना देने की वजह से, तो भी ऐसे लोगों को, कोई घटिया सोच वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मेरी काफी बहसबाजी वाली जो भी बातचीत हुई, मैंने बहुत समझाने की भी कोशिश की, तो अब आप खुद देख लीजिए कि मैंने कितना कुछ कहा या फिर जो भी हमारी बातचीत हुई। और शायद देश के हर स्टूडेंट तक मेरा यह वीडियो पहुंचेगा और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए अवेयर भी हो पाएंगे सारे किस्से को सुनने के बाद। और जैसे मैंने जो भी पॉइंट्स पर बात की तो शायद उससे स्टूडेंट को काफी मोटिवेशन भी मिलेगा। हेलो सर, यस मेरा नाम रोहित है। मैम क्या लाउड बोलेंगे, क्या आवाज में आ रही है? सर मेरा नाम कॉलेज में हूँ एक्चुअली, रोहित है सर मेरा नाम। व्हाट व्हाट योर नेम? माय नेम इज रोहित सर। अरे मैम रेंजन से रेंज की बात कीजिए ना, आपकी आवाज में आ रही है। सर मैं एक्चुअली कॉलेज में हूँ इसलिए धीरे बात कर रही हूँ आपसे। कौन बात कर रहे हो? रूही बात कर रहा हूँ सर मैं। अरे मैम ये मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें आ लीजिए, मैं उससे आपको चैट करता हूँ, ठीक है? नहीं सर वो एक्चुअली ना मुझे ऋषिका के बारे में बात करने थे, वो मेरे फ्रेंड है ऋषिका। बहुत परेशान है वो, बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस हो रही है और बोल रहे सर मैं सुसाइड कर लूंगा। सर प्लीज आप सर इसका कोई हल बताइए सर, मैं क्या करूँ सर? मैं खुद इसकी काफी इशू हो गए सर। मैं उसके फ्रेंड बात कर रही हूँ, वो ना तो वो अपने घर पे शेयर कर पा रहे हैं ना ही उसके पास पैसे है सर आपको पे करने के लिए। अभी आपको तो चार्जेस तो वैसे ही पे करना ही होगा ना मैम, बिकॉज ये कंपनी का चार्ज पे नहीं करोगे तो आप पे केस जाएगा, फिर आपको कोर्ट से जाके 25,000-30,000 लगना होगा। लेकिन सर उस बेचारे के पास पैसे नहीं है ना पे करने के लिए, आपको पता है वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ भी वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो सर प्लीज कुछ और सर हमें बता दें। आप हेल्प कर दो ना सर उसकी, आप अभी ना बोल रहे हो ना तो आप हेल्प कर दो उसकी। सर आप आपके कॉलेज में पढ़े हो गए, आप इतने अच्छे पोस्ट पर हो, अभी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, तो आपको भी पता होगा सर स्टूडेंट लाइफ में कितने के पैसे होते हैं सर किसी भी स्टूडेंट के पास। या कि पैसे नहीं आप ना पूछते हो क्या करें सर? नहीं मैम ये अभी उनको चार्जेस पे कर रहे हैं 12 बजे। देखिए मैंने आपको ये बताया कि वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी हर बात मुझे बताते हैं और उसने ना क्लियरली बोला है कि वो आज कुछ खा लेंगे सर अगर उसका इस चीज का हल नहीं होता। सर वो इतनी ज्यादा मेंटली परेशान हो चुके हैं ना सर, देखो आप सर एक एजुकेटेड पर्सन और अच्छे इंसान भी नजर आ रहे हो सर मुझे, तो सर किसी के अगर लाइफ ही चले जाएंगे सर फिर आपके लिए पैसे जी सर जी। एक काम करो मैम ये अभी हमको 3,400 पे करना है, ऐसे उनको अभी 70% पे करने को बोलो, बाकी की जो अमाउंट है वो आप बाद में एक दो दिन में कर देना, मैं रुक जाऊंगा ठीक है। सर कितने दिन के लिए रुक लोगे आप? मैम ये रेंज में खड़े रहकर बात कीजिए ना, आप खड़े रहकर बात कर रहे हो अभी क्या क्या कर रहे हो सर आप? अभी एटलीस्ट 70% तो पे करना होगा उनको मैम। लेकिन सर उसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है ना सर, तो मैं भी कुछ उसकी हेल्प कर देती सर, मेरे पास भी ओनली सर इस मंथ के ना 800 रुपीज बचे हुए हैं सर।
या आप उनको कॉल दीजिए, आपसे बात नहीं कर लीजिए। वो बात करने इतने सर वो है नहीं ना बात करने में, तभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। मैं उनको चिल्लाऊंगा नहीं, उनसे सीधी तरह से बात करूंगा, उनको कॉल दीजिए। सर वो बहुत परेशान हो चुके हैं, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो सर? अरे मैम ये चार्जेस तो पे करना ही करना है ना आपको, पे नहीं करूँगी तो मैं आपकी फाइल मेरे पास कैसे दूंगा? मेरे को आगे सबमिट करना है वही फाइल। सर आपके वैसे कंपनी में सर यानी कि क्या वो है, किस पोस्ट पर हैं आप? मैम एक काम करिए ना, आप कहाँ पे रेंज के रेंज में खड़े रहिए, बात कीजिए। आवाज मेरे को बुझे आ रही है ना थोड़ा सर, अब मैं ना वॉशरूम में आ गई हूँ, आप ठीक है सर मेरी आवाज? ये तभी आ रही है, बोलिए। सर देखिए आप अगर चाहो तो सर हम पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, कहीं आपसे मिलने आ सकते हैं सर? एक काम कीजिए मैम, ये उनका ना उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे हाई भेजा है, व्हाट्सएप पे चैट करके मेरे से बात कीजिए। सर उन्होंने बोला कि वो तो बस अब अपने लास्ट सर सिचुएशन में है, अब आप तो सर मुझे हाल बताए, इसका कोई हाल होगा या फिर मैं उसको बोलूँ भाई जो तुम्हें करना है कर ले, बस ये बताइए सर मुझे क्लियरिटी। बोला सर की मैं अपने सर मैं तो सर कुछ खा लूंगी आज, उसने इतनी ज्यादा मेंटली परेशान हो चुके हैं सर। एक काम कीजिए मैम, मैं उनके यहाँ से केस करवाऊंगी, उनकी फाइल जो मैं कोर्ट के लिए सबमिट कर रहा हूँ उनके साथ, ठीक है? कोर्ट के लिए आपकी कंपनी का नाम क्या था सर? ये सर यूटीओ सर्विस का मैम उन्होंने भर दिया था, उनको कस्टमर करना है, अभी इनको अवॉइड करना है किस तरीके की, तो उनको मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 70% फी करने को बोल रहा हूँ अभी, बाकी की जो अमाउंट है वो कल कर दे परफॉर्मेंस चलेगा। सर अगर अगर उसकी जगह वर्क मैं कंप्लीट कर दूँ तो? कंप्लीट नहीं होता ना मैम, उसका कमीशन डेढ़ से निकल चुका अभी। नहीं सर इतना तो आपके हाथ में होता होगा, आप इतने अच्छे पोस्ट पे हो गए सर कंपनी में। क्या बोल रहे हो? आप काफी अच्छे पोस्ट पे हो गए ना सर कंपनी में, और फिर इतना तो आपके हाथ में भी होता होगा ना सर की डेट पर स्टैंड वगैरह कर दिया जाए। यस मैम ये इसलिए तो मैंने दो दिन से उनकी फाइल मेरे पास रखी है ना, मेरे को मालूम है स्टूडेंट है, स्टूडेंट में क्या होता है, एफआईआर होने के बाद क्या होता है, मेरे को मालूम है करके मैंने दो दिन से मेरे फाइल मेरे पास रखी है ना, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। सर आपके पोस्ट बताएंगे फिर, आप किस पोस्ट पर हैं? क्या बोल रहे हो? किस पोस्ट पर है सर आप, आपके पोस्ट क्या है? मैं लीगल एडवाइजर हूँ कंपनी का। वो तो सर वो लीगल एडवाइजर, लेकिन फिर भी आपकी कंपनी में कोई पोस्ट तो होगा ना सर? अरे हु आर यू, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, ये काम कीजिए ऋषि को बोल दीजिए जो कोटी सागर एडवोकेट सर का कोर्ट में आना और वहाँ पे आके 15,000-20,000 पे करना रख दीजिए अभी। अच्छा फोन काट दिए गधे ने, दोबारा करता हूँ। हेलो यस, हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल फोन मत काटिएगा, बिल्कुल लास्ट तक बात चलेगी अपनी। और सच में एक अगर एक इंसान हो ना और कुछ पढ़े हो आप, तो बिल्कुल लास्ट तक जब तक अपनी बात चलेगी ना तब तक बात करना आप, ठीक है? अगर सच्ची में इंसान हो, ठीक है? अच्छा सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम बताइए क्या है? आप कौन बात कर रहे हो? नहीं मैं आपको बाद में बताता हूँ, मेरे पास ये केस आया हुआ है। बताएंगे मेरे सामने मत करिए, पहले आपका नाम बताइए। मेरा हाँ मेरा नाम सुनिए, मेरा नाम सिन्हा है, बताइए आप मेरे नाम का क्या करना है आपने? सिन्हा, मिस्टर सिन्हा। रजिस्टर नाम बताइए अपना। रजिस्टर नाम ही है मेरे मिस्टर सिन्हा, और ऋषिका का केस आया हुआ है मेरे पास। ऋषिका? यस यस यस। आपको अच्छा नहीं जो मेरी बात सुन ठीक है, जो ये कोर्ट की तुम धमकियां देते हो ना स्टूडेंट्स को, ये कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है, स्टूडेंट के साथ जो तुम लोग ये फ्रॉड करते हो ना उसको वाला है, जो जो मेरी बात सुन, अरे 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 तो मेरी बात तो सुन पहले, मेरी बात सुन, सर से बोला था ना फोन नहीं रखना, फट गई तेरी है वे? प्रोफेशनलिज्म निकल गया ना, फोन क्यों काट रहे, फट रही है तेरी? दो मिनट ओके, फोन मत काटियो तू, सच्ची बोल रहा हूँ, फोन मत काटियो तू।
अब बोल। हाँ आगे साइड पे तो रिक रिक उसने तेरे को पूछ के बोल दिया था, उसने जो बोल दिया है तेरे को पूछ के लिया था? बिल्कुल पूछ के लिया था मेरे को। और बता तो आपको मालूम है कि कंपनी का वर्क लेते हो कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको चार्जेस देना। ओके दोबारा से सही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप, अभी आपकी गालियां कहां गई वैसे मिस्टर? देखिए 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 मैं इतना गंदी गंदी गालियां दे रहा हूं आपको, नहीं मैं तेरे मेरे को समझाने दो और फोन मत काटिए। देख बात करेंगे अपन लंबे तक, देख सीधी बात है अपन लंबे तक बात करेंगे भाई, फोन मत काटियो तो ठीक है। और स्टूडेंट को लूटना है, और स्टूडेंट को लूटना है तूने, तेरे पास टाइम नहीं है। जो तेरी कंपनी का नाम है ना, जो तेरी कंपनी का नाम है उस नाम से कोई कंपनी नहीं है बेटा। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मेरी बात मेरे को समझा रहा तू। तुम्हारे को जॉब नहीं मिलती, देख मैं मानता हूँ कि तो आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप दूसरों को फसा फसा के इस चक्कर में लूटो, ये बताओ मुझे। मेरी बात सुन, पहले मेरे को बोलने देगा? चलो ठीक है, मैं फिर मेरी बात पूरी सुनना, फिर मेरी बात पूरी सुनना, मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगा। आप जो जो भाई मेरे मेरा टाइम तेरे से अगर जब जब तेरे को पता चलेगा ना रियली में मैं हूँ कौन, तेरे फटके हाथ में आएगी बेटा, कोई बात नहीं। अभी तेरे को पता नहीं तू तू किससे बात कर रहे हैं। चलो ठीक है सुना, तू किससे बात कर रहा है? हाँ मेरे को पता है, मैं एक ऐसे फ्रॉड आदमी से बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को लूटते हैं बेचारों को, ये कह कह के कि आपको ये फर्क दिया जाएगा 10 दिनों में। अच्छा आपका कम्प्लीट, अच्छा अगर कोई बेचारे ने कम्प्लीट कर दिया तो आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं है। मैं अपने, अरे गधो तुम्हारे को ये नहीं पता जो कोर्ट का नोटिस होता है ना उसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं आता, समझ गया? एक तो ये सीख लो चीज, जिस भी को भेज देते हो उसमें उठा के मोबाइल नंबर डाल देते हो, कोर्ट कभी भी अपना मोबाइल नंबर डालता है कि आपको ये पेनल्टी लगी है ये पे कर दो, नहीं तो आपको कोर्ट में आना। समझ में आ रही है भाई? मैं ऐसे रोज 500 देखता हूँ, आप ऐसे ना 500 देखता हूँ, मेरा काम ही यही है। आपका जो भी रियल नाम हो, क्योंकि आप लोग रियल नाम तो नहीं बताते हो यार अपना, ठीक है? सब कुछ फेक फ्रॉड, मुझे मुझे एक एक चीज पता है यार मेरे से, क्योंकि मैं भी अपनी आइडेंटिटी आपको, मेरा मतलब है कि मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, आपको पता लग जाएगा वैसे मैं हूँ कौन, पर मैं अभी नहीं बताना चाहता आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस वे में आपको पता लगना चाहिए ना आपको उसी वे में ही पता चलना चाहिए। लेकिन यार मैं ना आप बाय हार्ट एक बात करना चाहता था यार, मैं ऐसे रोज ऐसे बहुत सारे केस हैंडल करता हूँ, देखो कि आपको आप सही बताना, अगर सच्चे 1% भी सच्चाई है, कितना पढ़े हुए हो आप? मैं, हाँ कितना, कितनी स्टडी आपने कितनी की हुई है? मैं बीए पास हूँ। आप बीए पास हो, ठीक है, आपको कोई जॉब नहीं मिली ये बताओ मुझे? अरे भाई मैं जॉब पे हूँ अभी, मेरे को इतना ही सिर्फ पता नहीं। अरे भाई मेरा टाइम आपसे भी इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम आपसे भी इम्पोर्टेंट, मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस चक्कर, वो क्या उसका नाम, ऋषिका के सामने दिखाना चाहते हो कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना, मुझे नहीं लेना इस चीज से कुछ, मुझे इस चीज से कुछ नहीं लेना देना मेरे भाई, इस चीज को समझो, मैं उसके सामने कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लेना देना उस ना उस, ओ भाई मैं नहीं कर रहा अभी आपको, मेरी बात सुन, अगर बात खत्म करनी है ना, ठीक है, अगर तू बात यही खत्म करना चाहता है, ठीक है, तो क्लियर कट बोल कि मैं फ्रॉड हूँ और ठीक है मैटर आउट बस। अरे तू छोड़ रही है ये, मैं दिन में ना तो हैंडल करता हूँ, अरे धीरे धीरे बना, और मैं भी तेरे, मैं भी तेरे जैसों को पता नहीं कितनों को बेटा हैंडल करता हूँ डेली, क्या बताऊँ मैं तेरे को। अरे अभी क्या है, अभी क्या है तेरे को, अभी क्या है तेरे को, मेरे को ये है कि तू अपने मुंह से बोल मैं फ्रॉड हूँ, मेरे को ये है बोल, अभी फ्रॉड तू है, क्या? हाँ बिल्कुल बताया था, तो तेरे को तो मालूम था, तुझे बता रहे ना सही बात, अब बता रहे ना, मैं सही नहीं बता रहा हूँ, बोल रहे नहीं, अरे नहीं वैसे यार पता क्या, आप वैसे सही बात करते हो तब थोड़ा बहुत आपका जेन्युइन भी लगता है बात करते हुए, और लेकिन जब गाली गलौज पे आ जाती है तो सही सही लाइन पे निकल के आ जाती है लाइन की हम रियलिटी में है क्या, ये होता है, तेरे को मालूम था ना कि ऐसे ऐसा होता है, तो उसको वर्क क्यों ले लिया
तो फिर मैं तो चलो इस बात से एग्री कर लेता हूँ, लेकिन आप तो फिर भी नहीं मान रहे ना भाई, आप तो नहीं बोल रहे हो ना अपने मुंह से। उसकी जो फाइल है ना अच्छा जो उसकी अच्छा लास्ट लास्ट बात है, मैं फोन कर दूंगा इसके बाद। ओके जो जो फाइल है ना वो तो अपने ले लियो। ओके ठीक है, समझ गया तू, समझ गया। ओके और जो मैं अब गालियां नहीं दे रहा ना, फिर आ गया तू गालियों पे। मैं अब गालियों से बात नहीं कर रहा, मैं मैटर सॉर्ट आउट करने की बात कर रहा हूँ, तो फिर गालियों पे आ रहा है फिर बात का। हाँ फिर मैटर में सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तू अपने यार वो बेचारी बिन बात के डरी हुई है, मैंने उसको समझाया कि ये सब नकली होता फ्रॉड होता, वो नहीं मान रही है, तो अपने मुंह से एक बार बोल दे, मैं उसको बोल दूंगा बस बात खत्म। अरे उसको टारगेट बोलो, अरे यार कितने ढीठ होते हो ना यार तुम लोग यार, बेचारे स्टूडेंट ना इस चीज को समझ ही नहीं पाते यार, मैं कितना भी बता लूं कितना भी बता लूं फिर नहीं समझ पाते यार, आप जैसे की बातों में आ जाते हैं। एक काम कर, उसको बोल कि ये क्या करना है, अभी उसको सेटल करना है तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, चार्जेस से मैं कम करता हूँ। अभी अभी भी पैसे लेने के बारे में सोच रहे तू है, फिर तेरे को पैसे मिल जाएंगे है? ठीक है रख दे भाई, चलो नहीं मेरी बात सुन, मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए बता, चल सीधा क्लियर कट बात, सॉर्ट आउट ही करना है ना। नहीं फिर सॉर्ट आउट तो अपने तरफ से क्लियर करके बोल दे बस, बात खत्म। जब तक वो चार्ज पे नहीं करेगा तब तक इश्यू सॉर्ट आउट। अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस कोर्ट से बोल रहा हूँ और मैं ये नोटिस भेज दूंगा, तो तू तो, तो, कभी किसी को चार्ज ऐसे पे कर देगा बेटा, ये बता मेरे को, तू कर देगा ऐसे चार्जेस पे? नहीं नहीं बिल्कुल फायदा है यार, ले नहीं नहीं मैंने नहीं रखना, मैंने आपसे बात करनी यार, आप यार मेरी उनसे बात करवाओ पहले वाले बंदे से, क्या वो जो पहले बात कर रहे थे उनसे बात करवाइए मेरी। हाँ नहीं वो बात नहीं करने आ रही है, बोलिए। नहीं नहीं मैंने उनसे बात करनी है यार, मैटर उनको पता सारा यार, अभी फिर आपके साथ गाली गलौज पे पहुंचे। नहीं नहीं मैंने फोन नहीं रखना भाई, मैंने बात जब तक क्लियर नहीं होगी मैं फोन करूंगा, देखो सीधी सी बात है, बात निपटाओ फिर मैं एक भी फोन नहीं करूंगा यार, मेरे पास भी टाइम नहीं है आपकी तरह, मैं भी बहुत बिजी हूँ। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं समझता हूँ सबका टाइम इंपॉर्टेंट है और ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने उनको बोला था कि मैटर जा तो क्लियर कर दो भाई, बात यही खत्म, ना मैं फोन करूंगा ना, ठीक है चार्जेस पे करो मैटर क्लियर होगा। भाई अब तेरे को भी चार्जेस चाहिए है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैटर क्लोज करना है आपके मुंह से सुन के कि मैं फ्रॉड हूँ, बस इससे मैटर क्लोज हो जाएगा। आप अपने मुंह से बोलो कि मैं फ्रॉड हूँ, हम स्टूडेंट्स को लूटते हैं, तू फ्रॉड है, मैं फ्रॉड हूँ। मैं फ्रॉड हूँ। अच्छा तेरा नंबर भी देना, तेरा नंबर भी दे दो। तूने खुद बोला कि मैं फ्रॉड हूँ, ऐसा तूने खुद बोला। अच्छा अच्छा ठीक है चलो ठीक है ठीक है, मैं चलो मैं कहता हूँ मैं फ्रॉड हूँ, आप भी बोलो, आप भी बोलो कि आप फ्रॉड हो, मैंने बोल दिया मैं फ्रॉड हूँ। आप वैसे उनसे थोड़े कम पढ़े लिखे लग रहे हो, वो थोड़े ज्यादा एजुकेटेड लग रहे थे मुझे। हाँ वही तो, आपने बीए भी नहीं किया हुआ? नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाई नहीं की यार, फिर भी तुम स्टूडेंट्स को कैसे लूट लेते हो यार, मुझे समझ नहीं आता यार। देखो बिल्कुल आपका स्टडी लेवल भी इतना कम होता है, फिर भी स्टूडेंट तुम्हारे झांसे में कैसे फंस जाते हैं यार, ये नहीं मुझे समझ आता यार। कौन स्टूडेंट? अरे जिस स्टूडेंट को तुम ये देते हो डाटा एंट्री जॉब वगैरह ये वर्क वगैरह फालतू का। और कौन सा स्टूडेंट, कौन सा डाटा एंट्री जॉब, किसको बात करनी है आपसे, कौन हो भाई आप? ओ भाई आप कौन बोल रहे हो, मैंने तो वही नंबर मिलाया था यार, थोड़ा देख के बात करो, पहले नंबर देखो किससे बात करनी है पहले देखो आप। अरे यार एक मिनट, यही नंबर था यार, अभी इसी नंबर पर तो बात हो रही थी, आपने बोला कर रहे हो मेरे को, तुम बोलने को बोल रहे हो कि तुम फ्रॉड हो, तुम बोलो मैं क्यों बोलूंगा ऐसे ही। नहीं जो, जो, जो आपने जो आपने जो बोला कि वो पहले वाले बंदे बात नहीं करेंगे, तो पहले मेरे इसी नंबर पर उनसे बात हो रही थी, उनसे बात करवाओ ना। कौन से नंबर पे? इस नंबर से बात हो रही थी? हाँ इसी नंबर पर बात हो रही थी यार अभी मेरी। अच्छा आप कौन बोल रहे हो, आप बताओ फिर अपना कौन बोल रहे हो वैसे आप? हेलो हाँ आप कौन बोल रहे हो, आप कौन बोल रहे हो बताइए? अभिजीत बात कर रहा हूँ, अभिजीत पांडे। अभिजीत पांडे ठीक है, कहाँ से? बनवारा से। बनवारा से आपके पास, आपके पास अभी मेरा कॉल नहीं आया था पहले, इससे पहले? नहीं सर, कब फोन किया आपने मुझे?
अरे यार मैं काट के ऐसे ही बैठा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ में बैठा हूँ, मैं मस्ती कर रहा था और आपने मुझे कॉल किया और आप बोल रहे हो मुझे कि आप खुद को बोल दो कि मैं प्राउड हूँ, क्यों बोलूंगा मैं? नहीं यार आपसे नहीं ऐसा मैंने बोला, एक्चुअली वो जो पहले बात कर रहे थे बोला ना अभी तो बोला आपने। अरे भाई इसी नंबर पर मेरी सीरियसली बात हो रही थी यार, वो कई बार कंपनी की लाइन का टिप हो जाता कि किसी का फोन किसी के पास चला जाता है, तो शायद इस वजह से आपके पास आ गया गलती से। मैं काट के दोबारा मिलाता हूँ यार, सॉरी भाई साहब सॉरी, आपको नहीं मिलाया यार, मैंने अभी दोबारा मिलाता हूँ काट के मैं उनको। हेलो हाँ बोलो ना, दोबारा आपके पास मिल गया फोन? हाँ। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, यार सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, पहले इस नंबर पर कोई और बात कर रहा था यार, वो पता क्या था, मैं आपको पूरा मैटर बताता हूँ, सॉरी मैंने आपको फ्रॉड बोल दिया। वो पता क्या था भाई, जो पहले इस नंबर पर बंदा बात कर रहा था ना, वो एक लड़की को मैसेज भेज भेज के परेशान कर रहा था कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ और नकली स्टूडेंट्स को फंसाते हैं जॉब वगैरह के चक्कर में, तो उस मैटर के बारे में बात हो रही थी इसलिए मैंने आपको कह दिया था। ठीक है, तो मुझे यार एक्चुअली सीरियसली नहीं पता था, कोई पता नहीं उनका नंबर नंबर जाता ना, फिर ये किसी का यूज कर लेते होंगे जो, यानी कि ये फेक फ्रॉड सिस्टम करते हैं ना, तो ये नंबर किसी का यूज कर लेते होंगे, तो शायद आपका नंबर यूज किया जा रहा है भाई, आप कंपनी में जाके चेक करवा लो यार। ओके चलेगा, नंबर तो मेरा यही है, इसमें मुझे कॉल में आया, आपने कॉल पहली बार किया शायद मुझे। अच्छा भाई पक्का ये नंबर यूज करते हैं फिर किसी का, जो जैसे स्टूडेंट को फंसाते हैं ना ये अपने जॉब वगैरह के चक्कर में, आपने भी सुना होगा कभी ना कभी कि स्टूडेंट को पहले नकली वर्क दिया जाता है डाटा एंट्री वगैरह का, फिर जब स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाता। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ ब्रो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो देख के ही है, पता भी नहीं रहता हूँ क्या। अरे सीरियसली यार पता क्या होता है कि स्टूडेंट को ना जॉब दे दी जाती है कि आपको इतना डाटा एंटर करना है, ठीक है, उसके बाद या तो वर्क कम्प्लीट नहीं होता, या फिर बोला जाता है कि आपका 90% एक्यूरेट नहीं है वर्क, मोबाइल भी अच्छे से चलाना नहीं आता। यार अभिजीत सच्ची में यार आपसे तो वैसी बात होगी धक्के से यार, वो एक्चुअली मैं तो उसके साथ उलझा हुआ था कब से फोन पर यार, मैं उसको कह रहा था कि तू क्लियर करे यार बात, तो वो गालियां निकाल रहा था बंदा आपसे तो खाम खाम बात होगी। चलो ठीक है यार, नाइस टू टॉक विद यू, और सॉरी यार आपको परेशान कर दिया भाई, मुझे तो एक्चुअली आपको बता दिया ना क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पूरी की पूरी, तो ये थी बस और कोई बात नहीं, ठीक है ब्रो, ओके बाय। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि काफी जब यानी कि वो पहले वाले बंदे से बात बूत हुई, गालम गाली हुई आपस में, गालियां तो खैर मैंने कट कर दी क्योंकि पता है यार यूट्यूब पर फैमिलीज मेरी वीडियोज को देखते हैं, तो मैं चाहते हुए भी ऐसी यानी कि गालियों गुड़ियों जो हैं वो वीडियो में पोस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद उसने अपने साथ वाले फ्रॉड को फोन दे दिया और वो बिल्कुल सही तरीके से उससे बात कर रहा है कि यानी कि मेरा नंबर है यार, आपका फोन कभी मेरे पास नहीं आया। तो आई होप फ्रेंड्स और भी काफी सारे स्टूडेंट्स अवेयर हो पाएंगे इस चीज से कि डाटा डूटा एंट्री के चक्कर में मत फंसा करो यार, कुछ नहीं है, आपको फालतू के ऑनलाइन जॉब के यानी कि पैसों के लालच में फंसाते हैं और उसके बाद आपको कोर्ट के नोटिस की धमकी देते हैं, और जो भी अपने देश का कानून कोर्ट है, तो मेरा भाई सबको हाथ जोड़कर विनम्रता से मेरी विनती है कि स्टूडेंट्स कोर्ट के नाम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत डरते हैं कोर्ट के नाम से, और जो भी ऐसे लोग जो हैं वो कोर्ट के नाम का यूज करते हैं स्टूडेंट्स को डराने के लिए, कोर्ट उनके ऊपर जल्दी कोई एक्शन ले, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस पर कोई तगड़ी कार्रवाई करे, ताकि यह स्टूडेंट जो बेचारे इतने मेंटली परेशान हो जाते हैं वो इस चीज में ना फंसे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और हो सके तो भारत के हर स्टूडेंट तक मेरी इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना ताकि पूरी सच्चाई उनके सामने पहुंच पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि YouTube ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और पहली बार मिस्टर ग्रो चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं वो आपकी मिस ना हो, और हम जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।